ये कहने के लिए मारा जा रहा हूँ कि एक, मुझे कुछ भी थाली में परोसा हुआ नहीं मिला है, मुझे खुद मेहनत करनी पड़ी, और दो, नाम 9 से 5 के टाइम में नहीं बनते। अरे वाह, मस्त लाइन है, किसी दोस्त ने कही थी मेरे से, ये भोपाल वाले ने चाहे तो ये टैगलाइन बनेगी, मस्त लगेगी ना, नाम 9 से 5 में नहीं बनते। अगर ये लाइन आपको समझ में आई है तो कमेंट करके बताना। सो बेसिकली ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, और मुझे लगता है और इसके काफ़ी चांसेस हैं कि जब भी कोई इंसान नया चैनल शुरू करता है, नया यूट्यूब चैनल शुरू करता है, इंक्लूडिंग मी, तो वो बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च करता है, काफ़ी महीनों तक, लाखों वीडियो देखता है, लाखों घंटों की वीडियो देखता है कि उसको अपने चैनल को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोगों कैसे डिज़ाइन करें, थंबनेल कैसे बनाए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, कौन सा बेस्ट है, बेसिकली इन शॉर्ट वो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हर वो अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है कि ये उसको चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगी। बट यहीं हम गलती करते हैं, जो कि मैंने की थी, पर मैं नहीं चाहता, भाई नहीं चाहता कि आप वो गलती करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी वो कुछ चीजें क्या हैं जो आपको अपने चैनल को शुरू करने के बाद नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है ना? तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, दिस इज विजय सिंह राजपूत, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन टू ड्रीम स्ट्रगलर। लेट्स प्रारंभ। चैनल शुरू करने के बाद में जो सबसे पहली गलती आपने की होगी, उसे सुधारना है, वो है प्लीज़ हाइड योर सब्सक्राइबर्स। आई एम श्योर कुछ लोग इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे, बट ये मैं करता हूँ, मैंने ये अभी तक किया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका वीडियोज़ अच्छा है लेकिन आपके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है, जो भी आपका कंटेंट देख रहा होगा वो उसे अच्छा लग रहा होगा, तो काफ़ी मात्रा में लोगों की ऐसी सोच होती है कि वो सबसे पहले आपके चैनल के अंदर घुसेंगे, और वो देखते हैं कि यार कंटेंट अच्छा है लेकिन उसके सब्सक्राइबर सिर्फ 100-200 हैं, 300-400-500 हैं, तो उनके माइंड में ये सवाल आता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ओरिजिनल बंदे का कंटेंट ये कॉपी करके अपने चैनल पर लगा है। तो होता ये है कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो यूट्यूब की सेटिंग में जाओ, हाइड योर सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। नहीं पता, गूगल कर लो यार। क्रमांक नंबर द्वितीय, वाह बहुत रीटेक लिए है इसके लिए। रीटेक इनकी वजह से हो रहे हैं ज्यादा, बहुत भगड़ करी है मैंने, क्या रीटेक ले रहा हूँ ना, दबा दबा। एनीवेज, सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हम वीडियो बना लेते हैं, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, तो हमारा सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन ओनली वीडियो पर होता है। वीडियो बन जाती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन थंबनेल पर आप ध्यान नहीं देते। स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं दिया, प्लीज डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। टेक योर टाइम, जब आपकी वीडियो एडिटिंग चल रही है, जब आपको लगता है कि वीडियो एडिटिंग खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, प्लीज टेक योर टाइम। मेगा HD थंबनेल, मेगा प्रेजेंटेबल थंबनेल, एक यूनिक आई कैची थंबनेल, जिसको पढ़ के लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ और अभी फिर से रिपीट करता हूँ कि थंबनेल आपकी वीडियो पर क्लिक कराने वाला खतरनाक जरिया, एकदम भयंकर, तो वो भी भयंकर बनाइए, टाइम लीजिए और अच्छा बनाइए। पॉइंट नंबर 2 समाप्त। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। पॉइंट नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, जिससे आप में से देखती हुई आधी से ज़्यादा जनता शायद सहमत ना हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अप्लाई करिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा प्लीज़ डोंट अप्लाई दैट थिंग। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे चैनल होते हैं, स्टार्टिंग बिगिनर्स होते हैं, वो अपनी चैनल्स में शुरुआती दिनों से ही एक 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का इंट्रो डालना शुरू कर देते हैं। मैंने भी वो बनाया है, बट मैंने आज तक अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं आज से, बल्कि अभी से, और मेरी हर वीडियो में मैं इंट्रो बंद कर दूंगा। मैं इवन अभी तक बना रखा था, बट वीडियो में नहीं डाला हुआ है, किसी भी वीडियो में नहीं डाला है, और मैं वो डिलीट कर दूंगा, मुझे वो यूज़ नहीं करना है। मैंने वो खुद से सीखा है, एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी व्यूअर, एज ए व्यूअर, मैं भी किसी बड़े यूट्यूबर का या किसी का भी इंट्रो देखना पसंद नहीं करता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आप वीडियो बना रहे हैं, आप जो होस्ट हैं मेरे, वही मेरा कंटेंट है, वही मेरा ब्रांड लोगो है, या फिर वही मेरा इंट्रो है। मुझे आपका 10 सेकंड 15 सेकंड का इंट्रो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
एंड आई एम श्योर आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो इंट्रो देखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे, आपको कंटेंट से मैटर है। फॉर एग्जांपल ये मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ तो ये मेरा जो कंटेंट है, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, बस यही है जो भी है। अगर आपको मेरा चौकटा थोबड़ा फेस चेहरा जो भी आपको समझ में आए वो अगर ठीक लग रहा होगा, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो आप झक मार के वो लाल कलर का बटन दबा देंगे। तो नो इंट्रो, कंटेंट इज द की। पॉइंट नंबर 3, फिनिश। इस वीडियो का आखिरी और क्रमांक नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। अगर आप अपने चैनल के लिए सीरियस हैं, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल मतलब झाम फाड़ एकदम भयंकर वाले सीरियस हैं अपने चैनल के लिए, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हो सके तो डेली, और अगर वो नहीं पॉसिबल है, जैसा कि मुझसे वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं वीक में 3 वीडियो डालता हूँ। तो आप अपनी वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, बारिश हो, बरसात हो, बीमार हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, नोबडी केयर, वीक में 3 वीडियो कैसे भी अपलोड करिए, ड्यूटी समझ लीजिए या फिर आखिरी काम समझ लीजिए लाइफ का। और जहां लगे कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूं या फिर मैं ये कर नहीं सकता, तो मेरी पिछली वीडियो में कही एक बात ध्यान रखिए, नाम 9 से 5 में नहीं बनते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लाइन और मैं इसे हर वीडियो में यूज करने की कोशिश करूंगा कैसे भी। तो क्रमांक नंबर 4 यहां खत्म होता है। जाने से पहले एक एग्जांपल देता हूं इसी पॉइंट के ऊपर। मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से कोई नई मूवी आई है या हॉलीवुड से कोई नई मूवी आई है, और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपके चाहे वो फेवरेट डायरेक्टर की भी क्यों ना हो, अगर वो अच्छी नहीं है, अगर वो अपने प्रॉमिसेस पे पूरा नहीं उतरती, तो आप उसे देखेंगे नहीं। वो मार्केट में कब आएगी कब जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सिमिलरली केस आपके साथ भी अप्लाई होता है। अगर आप वीडियो डालते हैं तो आप सीखते हैं, आपका इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप वो वीडियो डालनी बंद कर देंगे तो आप भूलना शुरू हो जाएंगे, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो हर वीडियो के साथ कुछ नया सीखिए, अप्लाई करिए, अपलोड करिए, लोगों को आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपका कंटेंट पसंद आना शुरू होगा, तो आपसे कनेक्ट करेगी। आपने अगर वीडियो डालने में लेट करा तो वो पब्लिक जो आपके साथ कनेक्ट कर रही है वो भूलना शुरू हो जाएगी। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास जनसंख्या है जो क्रिएटर्स हैं, और आप नहीं तो कोई और से, ये वाला सीन अप्लाई करने में व्यूअर्स को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो वो मत करिए। वीक में 3 वीडियो एनी हाउ। पॉइंट नंबर 4 खत्म। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो आपको करना है वो पता है, मैं बोलूंगा नहीं। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो शो सम लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप इट रियल, जैसे हैं वैसे दिखिए।